बुरे फंस गए यार भाई, इस रास्ते से जाने से तो डर ही लग रहा है भाई। सर बाइक पर स्क्रेचेस नहीं लगते, बस सीधे हार्ट पे लगते हैं अपने बिहार के। मैं जरा देखो भाई एक बार इतना सब देखने में, मुझे पहले नहीं पता था यहाँ पे भी ऐसा भी कुछ। मैं देखो भाई यार कितना सुंदर लग रहा है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो कैसे आप लोग, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग की और एक फ्रेश आइड में आप सबका स्वागत है। तो चलो आज की राइड स्टार्ट किया जाए। ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है और चलो चलते हैं। आज मैं जा रहा डोलू के साइड पे, तो सवेरे सवेरे राइड करने का तो भाई अलग ही मज़ा है। तो जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। हाईवे के साइड जा रहा हो तो हाईवे पे जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे एक छोटा मोटा सही कोई रास्ता है वो उस पर जाएंगे हम। उस पर मैं पहले कभी तक नहीं गया, उसकी जगह का नाम भी मुझे पता नहीं है। आज जाएंगे और देखते हैं अगर उस रास्ते से जाएंगे तो ठीक है, वरना हाईवे में ही जाएंगे सामने तक। गाइस लेफ्ट साइड में देखो गाइस यार कितना सुंदर लग रहा है ना सुबह देखने में। अलग ही शांति है गाइस, कोई शोर नहीं शराबा नहीं, सुबह इतना मज़ा आता है क्या ही बोलूं, अच्छा लगता है। और कोई को तो पसंद नहीं है भाई सुबह राइड करना। मैंने जब से बाइक लिया है भाई, ब्लॉगिंग तो छोड़ो, मैं ऐसे भी सुबह राइड करता हूँ और अभी तो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई बात नहीं। शौक होना चाहिए थोड़ा सा, अगर शौक हो तो कर सकते कोई भी। तो भाई मैं डोलू पे आ चुका हूँ, तेरा हाथ डोलू पे हम आ चुका हूँ और चलो रिक्शा से चलते। देख सकते हो भाई इस रास्ते से हम जाएंगे, अभी इस रास्ते से थोड़ा सा अंदर जाके आएंगे आज। तो चलो भाई अंदर जाके क्या मिलता है क्या नहीं तो देख के आते हैं। अगर कोई बाधा दे भाई हम लोग को, बोले अभी यहाँ क्या कर रहे हो सुबह सुबह, बाधा दे तो कोई नहीं, चलो चलते। अच्छा लग रहा है भाई, इस रास्ते पर मैं पहली बार आ रहा हूँ, क्या पता क्या हुआ हो जाए भाई। इस रास्ते के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैंने कभी नहीं आया इस बार, आज पहली बार ही आ रहा हूँ इस रास्ते पर। तो चलो देखते हैं जाएगा क्या होता है क्या नहीं, कोई कुछ बोलेगा तो आ जाएंगे भाई। मुझे लगता है ये टी गार्डन का ही रोड है, तो अंदर जाना जानने देंगे या नहीं कोई आइडिया नहीं है। यस गाइस ये तो टी गार्डन का ही रोड है भाई। भाई मंकीस देखो भाई मंकीस देख सकते हो भाई। भाई बंदे तो है भाई यहाँ पे, ओहो इस साइड का नजारा देखो भाई एक बार, कितना सही लग रहा है ना भाई। पहली बार आया हुआ, वाह वाह वाह। हाँ मुझे पता ही था पहले ही, शायद ये टी गार्डन का ही रोड होगा, अंदर भी लोगों का घर है। वाह तो वैसे वो क्या देखने को मिल रहा है गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोनों साइड ही टी गार्डन, इस साइड भी है इस साइड भी है टी गार्डन है, और मैं जा रहा हूँ बीच से, तो भाई अलग ही फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो चलो चलते हैं और आगे, देखते हैं जाके आगे जाने देता है नहीं भाई। भाई ओहो इस साइड से आके तो सीधा जाके यहाँ पे मिलता है गाइस, ओहो रोड तो यहाँ पे ख़त्म ही हो चुका है, तो नीचे हाईवे है गाइस। इस साइड से आके तो नीचे हाईवे पे ही जा सकते हो, ओहो तो ये बात है। तो चलो हाईवे पे ही निकल जाते हैं, अभी जा पाएंगे क्या आराम से। अरे भाई क्या ही रोड है, देखो गाइस फिर से हम घूम फिर से हाईवे में ही आ चुके हैं।
तो चलो और आगे चलते हैं। यहाँ पे सामने और एक रोड है गाइस, चलो उसमें घुसेंगे। चलो उसमें जाके कहा जाता है क्या नहीं जो देख जाते। चलो भाई ये रोड टी गार्डन के अंदर से जाके फिर से हाईवे में लग जाता है आगे, मुझे तो ये कोई आइडिया भी नहीं था। चलो देखिए आज अच्छा लग गया भाई, मज़ा आ गया। अभी भाई बंदे लोग जितने भी देख रहे हो ना जो रनिंग कर रहे हैं वो फॉरेस्ट का एग्जाम के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। सामने फॉरेस्ट का एग्जाम है ना तो उसके लिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा भी है गाइस, देखते हैं मैं जाऊंगा या नहीं, कोई आइडिया नहीं है। वो बंदे जो लोग रनिंग कर रहे हो अच्छी बात है, उनको करने दो भाई, अगर उनको जॉब मिल जाए तो भाई खुशी खुशी है। अब मैं जाऊंगा या नहीं कोई आइडिया नहीं है, फिर भी देखते हैं भाई, आने देते देखो। एडमिट कार्ड तो निकल के घर में ले आ चुका हूँ गाइस, पर जाने का कोई मूड नहीं है क्योंकि ना हमने रनिंग किया है ना हमने कुछ किया है ना हमने कुछ किया है भाई, तो ना पढ़ाई किया है अच्छे से, कुछ भी नहीं किया भाई, ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता आजकल, इसी के कारण कुछ नहीं हो पाता। देख सकते हो भाई यह टी गार्डन पूरा उखाड़ के फेंक गया, यहाँ पे क्यों उखाड़ा है क्यों नहीं, यह टी गार्डन क्या हो गया है इसके बारे में और एक ब्लॉग आएगा, इसके बारे में मैं और एक ब्लॉग बनाऊंगा यहाँ पे, तो आज नहीं किसी और दिन बनाएंगे। यह टी गार्डन था पूरा गाइस, यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया है पेड़ पौधे सब, तो इसको यह क्यों उखाड़ा है किस लिए उखाड़ा है मैं और एक ब्लॉग में बताऊँगा। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही सुंदर था, अभी नहीं है। अरे साइड पे देख सकते हो टी गार्डन है, मैंने पहले ही एक बार बनाया था ब्लॉग। तो यहाँ से लेफ्ट पर शायद एक रास्ता से हम उसमें जाएंगे, हाँ यही भी है। चलो इसके अंदर चलते हैं और देख के आते हैं। इसमें भी मैं पहली बार जा रहा हूँ भाई, कोई आइडिया नहीं है क्या होगा। देख सकते हो दोनों साइड पर पहले टी गार्डन ही टी गार्डन था, लेकिन सब कुछ उगाड़ कर फेंक दिया है। इसका भी एक रीज़न है गाइस, तो मैं बताऊंगा आगे और एक वीडियो में, आज की वीडियो पे नहीं बता सकता गाइस, किसी और एक वीडियो में बनाऊंगा या आकाश से ब्लॉग बनाऊंगा आप लोगों को बताऊंगा। तो आज की ब्लॉग भाई भाई इस रास्ते से फिर नया नया आ रहा हूँ भाई, अंदर क्या मिले अंदर क्या मिलेगा गाइस, आई सी चलो देखते और क्या भाई। इतने अंदर तक टी गार्डन को उखाड़ के फेंक दिया, वाह क्या बात भाई, अंदर को एक पकड़ के मार देना भाई, कुछ ना बोल दे बस यही के बात है भाई, दिक्कत कोई कुछ ना बोले अगर तो ही देख सकते, देख सकते हो भाई हद तक भी भाई टी गार्डन को उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया गया है। ओह गाइस यहाँ से व्यू चेक कर एक बार गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं गाइस, व्यू चेक कर गाइस एक बार, क्या ही सुंदर लोकेशन है गाइस। मुझे पहले नहीं पता था यहाँ पे भी ऐसा भी कुछ है सीन, तो मैं एक बार पहली नहीं आया हूँ यहाँ पे, आज पहली बार आ रहा हूँ, तो अंदर तक जाने का रास्ता है और भी आगे जा सकते हैं शायद, तो थोड़ा आगे जाकर देखेंगे एक बार, यहाँ से व्यू चेक कर गाइस क्या ही सही लग रहा है गाइस, सुबह से वैसे व्यू भाई मज़ा आ जाता है। देख सकते हो नीचे लोगों का घर भी है गाइस, और ये अपनी बेबी, इसको तो भाई यहाँ देख सकते हो गाइस, मैं अपने बाइक के बारे में और एक वीडियो बनाने वाला था लेकिन नहीं बनाया, ये भाई स्क्रेचेस आ चुका है गाइस गाड़ी पे, बुरा था पूरा गाड़ी पूरा स्क्रेचेस से भर चुका है भाई, बाइक पर स्क्रेचेस नहीं लगते बस सीधे हाथ पे लगते अपने दिल पे। और गाइस देखो फिर से एक बार देख लो भाई यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है लेकिन यहाँ पे भाई अगर उस जगह पे जा सकते तो बहुत ही मज़ा आएगा, सामने शायद किसी पर यहाँ जाने का रास्ता हो सकता है, तो देखते हैं गाइस
यहाँ किसी दिन जाओ पाओ तो ज़रूर जाऊँगा। तो चलो और थोड़ा आगे चलते हैं गाइस, अपने बाइक को लेते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ से जाके देखते कोई सीन है क्या है। चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं। लोगों का घर है शायद भाई अंदर ही अंदर। अरे भाई इतनी सारी चिड़िया भाई, भाई इस रास्ते से जाने से तो डर ही लग रहा है भाई। चलिए अकेला भाई वो क्या ही कह सकते, कोई अगर निकल के पकड़ लेना तो कुछ नहीं कह सकते भाई, अपने को यहाँ इधर ही टोक डालेगा। तो भाई कहाँ जा रहे हैं हम यहाँ पे? वो भाई ये तो हिडन प्लेस है गाइस, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, यहाँ पे भी ऐसा कुछ सीन है रास्ता वगैरह है। वो भाई भाई हमारे यहाँ पे इतनी सुंदर लोकेशन भी है, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था गाइस, बहुत सुंदर लोकेशन है। ओहो मैंने सोचा तो सोचा था ऐसा ये नीचे भाई घर है गाइस, और ऑफ रोड भी आ चुका है गाइस। यहाँ पे थोड़ा रुको 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 भाई भी रुको भाई, नीचे मैंने जरा पूछा था ऐसा ही कुछ सीन है भाई, पूरा सा घर है भाई यहाँ पे। तो भाई देख सकते हो मैंने जैसा सोचा था भाई ऐसा ही निकला, नीचे तो पूरा घर ही घर है भाई। भाई और हम नीचे नहीं जाने वाला, बाइक ऊपर कैसे उड़ाऊंगा अभी, नीचे तो लेके आ गया भाई, तो बहुत ही फट रहे हैं मेरी, तो बाइक यहाँ से पहले मुड़ते हैं भाई। वहाँ तक जा सकते हैं नीचे, इस रास्ता तक है, देख लेते हैं भाई रास्ता है पूरा, इस तरफ से जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैं नहीं जाना चाहता हूँ अभी। मैंने सोचा कोई और अच्छे सा अंदर का लोकेशन हो सकता है, लेकिन लोगों का घर ही घर है अभी, तो जाने का भी मतलब नहीं। तो अपने बाइक को घुमाने की कोशिश करते हैं। भाई बुरे फंस गए यार, तो भाई निकल गए इस जगह से भाई। यहाँ देखो भाई कितना सुंदर सा देख रहा था रोड की वजह से, यहाँ का सीन। ओ भाई मैं तो डर गया था यार, निकलूंगा कैसे भाई। लेकिन अंदर जो भी लोग रहते हैं ना भाई, उनको तुमको ही मज़ा आता होगा यहाँ पे जाने आने का, मज़ा क्या बोरिंग लग जाता होगा भाई। इतना इतने अंदर से बाहर जाओ, इसके बाद फिर से अंदर आओ, इतना अंदर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इतने अंदर भी लोग रहते यार। आज देख के भाई आइडिया हो चुका है, इतने अंदर भी लोग रह सकते हैं। अगर पहले आ जाता तो भाई एक बार तो इस रूट के बारे में पता चल जाता, तो आज पहली बार ही आया हूँ, तो कोई नहीं एक्सपीरियंस होता रहता है यार। और क्या यहाँ से इतना सुंदर, चलो तो अभी बाहर की तरफ चलते ही है, और ना यहाँ पे रुकने का कोई सीन है, चलो बाहर चलते हैं। इस तरह की जगहों में आना ना बहुत अच्छा लगता है यार, मज़ा आता है। अगर साथ में और चार पांच दोस्त होते तो और मज़ा आता है, लेकिन अपने सब दोस्त तो भाई अभी तक नींद में है, और किसी को बोलूँ तो भी नहीं आएंगे भाई, क्योंकि मैं तो वीडियो बनाऊँगा, वो लोग तो वीडियो नहीं बनाते हैं ना, तो इसलिए शायद नहीं आ सकते। आज एक बंदे ने बोला था आने के लिए, आज की राइड उसके भाई स्कूटी पे तेल ही नहीं आज,
पेट्रोल ही नहीं है उसकी स्कूटी पे, तो कैसे आएगा वो। तो मैंने कोई नहीं, मैं ही चलूँगा, अकेले पार्टी वार्टी बनाऊँगा क्या, मैं तो भाई जाऊँगा ही। संडे है भाई, संडे मीन्स ब्लॉग, बात ख़त्म। अरे ब्लॉग बनाओ ही ना बना भाई, संडे मीन्स राइड, बात ख़त्म। ब्लॉगिंग तो भाई आज एक महीने से दो महीने से स्टार्ट किया हूँ, लेकिन बाइक मैंने ख़रीदा हुआ बस 6 महीने हो चुका है, और 6 महीने तक भाई संडे का राइड मैंने ही बोला हो, मैक्सिमम टाइम में संडे में राइड करता ही हूँ। तो भाई मुझे अच्छा लगता है, किसी को लगे या ना लगे वो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। छोटे मोटे से शौक़ है अपने, तो उनको पूरा कर रहा हूँ। जो बंदे उनको गलत वे में ले जाते हैं, उनके लिए क्या ही बोल सकते, कुछ भी नहीं। जो सोचने भी है, जो सोच जो ऐसा सोचता है भाई, उसे ऐसा कुछ सोचने दो, अपना अपना काम करो, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यहाँ से यूटर्न ले लेते हैं हम, सूरज देवता फिर धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। कैसे रुको 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 रुको, यूटर्न लेने के बाद मुझे आइडिया आया, यहाँ पे एक रास्ता है छोटा मोटा सा, यहाँ पे ये बंदा कब से मुझे घूर घूर के देख रहा था। यहाँ से एक रास्ता है गाइस छोटा मोटा सा, चलो अंदर तो चल के आते हो। तुम जो नीचे से देख रहे हैं मेरे को, वो देखो सामने है, और रोड वोड कुछ नहीं है भाई, ऐसा ही है, पत्ते निकलते हैं चाय पत्ते। ओ ऐसा सीन है यहाँ का, देख सकते हो गाइस सामने सूरज देवता भी आ चुके हैं हमारे, सूरज देवता के आस धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ का कुछ सीन ऐसा है, देख सकते हो। गांव में रहने का यही मजा है गाइस, हरियाली है यार, देख सकते हो, सिटी में ऐसा नहीं मिलता भाई, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। तो गाइस यहाँ से निकलते हैं अभी, चलो। सब हर कोई रनिंग कर रहा है यार, मैं भाई वीडियो बना रहा हूँ सुबह सुबह, देख सकते हो फॉरेस्ट की तैयारी कर रहा है बंदा। फॉरेस्ट में अगर भाई जॉब मिल जाए ना, तो भाई अपने को ऐसी ऐसे जितने भी बंदे देखते हो ना भाई, जितने भी बंदे अपने जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो ना, वो अच्छे से ट्राई करो, क्योंकि अगर एक बार सरकारी नौकरी लग गई भाई, इसके बाद तुम भाई हर एक बंदे के लिए परफेक्ट बन जाओगे। अगर सरकारी जॉब मिल गई तो हर एक किसी के लिए परफेक्ट हो, अगर सरकारी जॉब नहीं मिला तो भाई परफेक्ट नहीं हो। देखो भाई बंदे कैसे रनिंग कर रहे भाई, उनकी अलग ही चीज है भाई, हमारा तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है सारा भाई, नशा वैसा कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों का पहले था गाइस, एक ज़माने में हमारा भी अपना नशा था जॉब के लिए, आर्मी का तैयारी बहुत तक किया था यार, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से नहीं हो पाया। और चलो कोई भाई, जितना भी पैसा होना का शौक पूरा ना कर सके थोड़ा बहुत, तो क्या पैसों पर क्या करें। तो गाइस आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, उम्मीद है आपको ये छोटा मोटा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, पसंद किया यार सब्सक्राइब कर ही देना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं किसी अच्छे से मोस्ट ब्लॉग में, और मैं ट्राई करूँगा अपने 100% देने की और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाने की, लेकिन भाई नहीं हो पाता है इतना, क्योंकि और भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, वरना भाई नहीं होगा। बाइक का पेट्रोल कहाँ से डलवाऊँगा, तो ऐसा ही कुछ सीन है गाइस। तो ट्राई करेंगे अपना 100% देने के लिए। तो मिलते हैं किसी और अच्छे से मस्त ब्लॉग में, और इसमें सुबह सुबह का मौसम है गाइस, अच्छा लग रहा है। अभी मैं ब्लॉग एंड करके थोड़ा खेत से निकल जाऊँगा, घर पे जाके भी बहुत काम है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं किसी और अच्छे से मस्त ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।